पार्ट थ्री सेम है, ये आपने खुद करना है। पार्ट फोर को देखें, 6.4 एंड 8, 6.4 और 8 के दरम्यान में हमने रेशियो को फाइंड आउट करना है। लिख लेते हैं 6.4 एंड 8, यहाँ पर ये नंबर पॉइंट में है। पॉइंट की सिंप्लीफिकेशन, हमें पॉइंट्स वाले टेबल ही नहीं आते। अब पॉइंट्स में सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए हम पॉइंट्स को रिमूव करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पॉइंट की जगह वन, पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू है तो सिंगल जीरो, 64/10 पॉइंट रेशो 8। अब यहाँ से हमारा क्या काम है, हमने 60 डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रिमूव करना है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सॉल्व दीज, टू कंपेयर दीज। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू डिनोमिनेटर में जब रेशियो की दूसरे साइड पर जाके वहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर डिवाइड हो रही है, दूसरे साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 64:8×10 80। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ पर मैंने कटिंग 4 से की हुई है, आप यहाँ से 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो तमाम नंबर जिनका लास्ट वाला नंबर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो तमाम इवन नंबर में आ जाते हैं, 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 से स्टार्ट की है। 4 1 4, और यहाँ पर 2 का ही चला गया 4 के पास, 4 6 24, 4 2 80 एंड 0 16:20। दोनों के गेन कटिंग करते हैं, 4 4 16 एंड 4 5 20, 4:5। 4:5, 4 और 5 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, सो इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर देखें पार्ट फाइव, पार्ट फाइव में लिखा हुआ है 36 kg एंड 80 kg। जब इसको रेशो में लिखा है तो हमने इनके यूनिट्स नहीं लिखे। पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स, पार्ट सेवन, दीज आर सेम एज दी अबव। क्लास पार्ट एट को देखें, 60 cm एंड 3 m। यहाँ पर इस पार्ट में देखें, इन दोनों के यूनिट सेम नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। अब हमारा क्या काम है, हमने सबसे पहले इनके यूनिट सेम करने हैं। हम इसको मीटर में भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज करके सॉल्व किया हुआ है। वी नो डैट, हमें पता है 1 m 100 cm के इक्वल होता है, बट वी हैव टू फाइंड 3 m इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। 3 m इज़ इक्वल टू, 3 m को 3 को हमने बोथ साइड्स पे यहाँ पर मल्टीप्लाई की, 3 m इज़ इक्वल टू 300 cm। अब ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, ये वैल्यू भी हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब इनकी रेशियो को फाइंड आउट करना इजी हो गया है। नाउ क्लास, 60 और 300 दोनों की हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट हम कर सकते हैं, हम 10 से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने किससे की हुई है, मैंने 3 से कटिंग की हुई है। ठीक है, आप 10 से भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों नंबर सेम टेबल में आए। अब मैंने क्या किया है, 2 3 2 6 एंड 0 एज इट इज़, 3 1 3 एंड 0 एज इट इज़। हमारे पास क्या आ गया, 20 एंड 100, 21 20 एंड 25 100, 1:5। 1 और 5 इसकी मज़ीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब पार्ट 9 सेम एज अबव, ये आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 10 को देखें, पार्ट 10 इज़ आल्सो सेम एज पार्ट 4, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन अलॉय कंटेन 13.5 grams ऑफ कॉपर एंड 4.5 grams ऑफ जिंक, फाइंड द रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द अलॉय। अलॉय कहते हैं जब दो धातुओं को, हम दो या दो से ज़्यादा धातुओं को जब हम मिक्स करते हैं तो जो चीज़ हमारे पास तैयार होती है उसको बोलते हैं अलॉय। अब ये कह रहे हैं कि हमने कॉपर को और जिंक इन दोनों को हमने मिक्स किया तो हमारे पास एक अलॉय तैयार हुआ है जिसमें कॉपर इतना है और जिंक इतना है। कह रहे हैं कि रेशो फाइंड आउट करें बाय मास इनके वज़न के दरमियान, मास कहते हैं वेट को, कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक की तरफ आपने रेशो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं, रेशो कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक था इसलिए हमने क्या किया, कॉपर पहले लिखा, जिंक बाद में लिखा। कॉपर की क्या वैल्यू है, 13.5, और जिंक की क्या वैल्यू है, 4.5। अब ये अगेन पॉइंट में है, पॉइंट की सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, हम पॉइंट रिमूव करके सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू थी, सिंगल 0, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू थी, 10। अब यहाँ पर देखें,
रेशियो के बोथ बोथ साइड्स पे जो रेशियो है उन दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, तो डिनोमिनेटर डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। जब दो वैल्यूज़ इक्वालिटी में या रेशियो में उनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो या अपर न्यूमिनेटर में सेम नंबर हो तो उसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया हमारे पास 135:45। अब इसकी कैंसिलेशन करते हैं, जब किसी नंबर के लास्ट पे 0 या 5 हो तो वह नंबर 5 के टेबल में आता है, उसकी कटिंग 5 से हम करते हैं। यहाँ पर हम 5 से कटिंग करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी चला गया ये 35 बन गया, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 9 ज़ा 45, क्या आ गया हमारे पास 27 एंड 9, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3:1। 3 और 1 की मजीद कैंसिलेशन नहीं होती, सो इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप यहाँ पर कैंसिलेशन, यहाँ पर आपकी कैंसिलेशन हो गई, आप यहाँ पर कैंसिलेशन 3 से भी कर सकते हैं, बिकॉज 9 एंड 3 आर ऑल्सो कंटेन इन टेबल ऑफ 3। सो ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाहिदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹12। वाहिदा ने 8 टेक्स्ट बुक परचेज की हैं और एक बुक की कीमत कितनी है ₹12, एंड 4 स्टोरी बुक्स परचेज की हैं ईच कॉस्टिंग ₹9, और एक बुक की कीमत कितनी है, स्टोरी बुक की कीमत कितनी है ₹9। क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंट ऑन द टू टाइप्स ऑफ बुक्स, इसकी आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है जो उसने इन दो बुक्स पे स्पेंड की है। ओके क्लासेस के सोल्यूशन को देखते हैं, कॉस्ट ऑफ वन टेक्स्ट बुक कितनी गिवन थी हमारे पास 12, और कॉस्ट ऑफ वन स्टोरी बुक कितनी गिवन थी ₹9। हमने उसने परचेज कितनी की थी टेक्स्ट बुक 8, हम 8 की किस तरह से फाइंड करेंगे, 8 को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 टेक्स्ट बुक 8 × 12, 8 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया हमारे पास 96। कॉस्ट ऑफ वन स्टोरी बुक क्या गिवन थी ₹9, और उसने परचेज कितनी की थी 4, तो हम 4 से बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्टोरी बुक्स की प्राइस आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर 4 9 36, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ 8 टेक्स्ट बुक भी आ गई है और कॉस्ट ऑफ 4 स्टोरी बुक्स भी आ गई। अब सिंपली हमने रेशियो फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ द अमाउंट टेक्स्ट बुक्स एंड द स्टोरी बुक। टेक्स्ट बुक फर्स्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, सो टेक्स्ट बुक को हम पहले लिखेंगे, टेक्स्ट बुक्स रेशियो स्टोरी बुक 96:36। यहाँ पर भी हम कटिंग करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 क्या आ गया 32 एंड 12, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32, क्या आ गया हमारे पास 8:3। 8 और 3 अब ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, सो यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके क्लास, आज आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इनको अपनी नोटबुक पे नोट करना है और डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है। बेस्ट ऑफ लक।